अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। जैसा कि आज सुबह सुबह हम ना लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से हम जो सामान है ना फ्रेश फ्रेश ऑलरेडी तैयार करते हैं, आपको पहले भी पता हुआ है। तो चने ना आज हमने सुबह उबाल की उबाले हैं, ठीक है। उसमें से मैंने निकाले हैं गरम चने, और गरम चने ऊपर मैंने डाला है चाट मसाला और ऊपर प्याज, ये चेक कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ ऐसी ऐसी डिशें बना के खानी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मसाला, प्याज और ऊपर क्या नाम है उसका, चने। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। यार अल्लाह पाक सबके नसीब में करे, इससे भी अच्छा करे। ये मेरे नसीब में है, जो मेरी वीडियो देखता है, जो खुदा से ख्वाहिशमंद है चीज़ों का, अल्लाह पाक सबको सबका अजर दे और सबकी दुआ कबूल करे। सबको इतना दे कि वो शुक्र खुदा का करके रात को सोए और सुबह शुक्र खुदा का करके उठे, क्योंकि वो नसीब वाला बंदा है जो खुदा का शुक्र करके सोता है और सुबह उसे अल्लाह पाक उठा भी देता है। उठाता इसलिए उसके नसीब में रिजक लिखा होता है, इसीलिए खुदा कहता है उठ मेरे बंदे, तेरे लिए मैंने रिजक लिखा हुआ है, उठ उठ के जाकर कमा और अपनी मेहनत से कमा के घर में अपने बच्चों के लिए ला और अपने लिए ला। पेट की खातिर इंसान सुबह उठता है, तो पेट की खातिर खाना कमाता है, ठीक है। हथौड़ी के साथ पत्थर वगैरह तोड़ता है। हर एक हुनर का ना अपना अपना फन है, ठीक है। मजदूर का अपना फन है, मिस्त्री का अपना फन है, हर एक का एक अपना अपना फन है, टैलेंट है, ठीक है। उस खुदा का शुक्र अदा हूँ मैं, ठीक है। उस खुदा से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ, तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक उसके नसीब मेरे से भी अच्छे करे, मेरे नसीब जो उससे भी अच्छे उसके नसीब करे, और उससे जो जिस चीज़ का वो ख्वाहिशमंद है उसे अल्लाह पाक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।